अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? आज आप अपने मेमन फार्म हाउस के जो प्रोजेक्ट है फेज़ 13 के ऊपर हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर आपको यहाँ की अपडेट दिखाएंगे। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको दिखाया था कि कुछ फार्म जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे थे, और अभी इस वक्त की क्या पोजीशन है, एक हफ़्ते के बाद की यहाँ की क्या डेवलपमेंट है, इंशाल्लाह आपको आज इस वीडियो के अंदर दिखाएंगे। तो ये देखें, ये माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर डेवलपमेंट हो चुकी है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और मेरी अगर लास्ट वीडियो के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इतनी डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि उस वक्त डेवलपमेंट चल रही थी। अभी इस वक्त की कंडीशन के अंदर माशाल्लाह से यहाँ की डेवलपमेंट आप चेक करें, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट यहाँ पर हो चुकी है। और मेरे पास एक बहुत प्राइम लोकेशन के ऊपर बड़ी अच्छी चीज़ मेरे पास आई हुई है, वो इंशाल्लाह मैं आपको इसी वीडियो के अंदर दिखाऊँगा। ये प्लॉट है जो मेरे पास बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन के ऊपर इस वक्त आया है। ये 35 फीट वाइड रोड के ऊपर आप चलते हुए आ रहे हैं। मेरे लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो ये 4000 गज़ के ऊपर, 2000 गज़ फ्रंट के ऊपर है, 2000 गज़ उस तरफ है, 4000 गज़ के ऊपर एक डेयरी फार्म बन रहा है, और इसी के साथ ही 10000 गज़ के ऊपर एक पिकनिक फार्म बन रहा है जिसके फ्रंट के ऊपर एक मस्जिद भी बनी हुई है। अगर इस प्लॉट को देखें तो यहाँ पर ये 4000 गज़ के ऊपर एक डेयरी फार्म बनने के लिए जा रहा है, इसी के बराबर में 4000 गज़ के ऊपर एक पिकनिक फार्म बन रहा है। और मैं आपको दिखाऊँ, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये भी 8000 गज़ के ऊपर एक पिकनिक फार्म बन रहा है। इसके साथ मेरे पास 1400 स्क्वायर यार्ड के ऊपर ये प्लॉट अवेलेबल है, जिसमें 3 साइड की जो है ना वो ऑलरेडी बाउंड्री हुई हुई है। एक नीम का दरख्त भी इसके अंदर लगा हुआ है, आपको सिर्फ फ्रंट की बाउंड्री करनी है और यहाँ पर गेट लगाना है। तो ये बड़ी प्राइम लोकेशन के ऊपर मेरे पास प्लॉट अवेलेबल है और बहुत मुनासिब पैसों के अंदर ये भी इस वक्त आया हुआ है मेरे पास। अगर आपको इस हवाले से मज़ीद मालूम चाहिए तो मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा मैं आपको थोड़ी सी और एरिया की अपडेट बताऊं। हमारे जो प्रोजेक्ट हैं वो मेमन फार्म हाउस के नाम से गड़ाप टाउन के अंदर लोकेट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वर्किंग हेयर सिंस 5 इयर्स और वी हैव डिलीवर्ड अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 13 प्रोजेक्ट्स इन दिस एरिया। तो एक अल्लाह का शुक्र, एक अच्छी रेपुटेशन है, कमिटमेंट है, कमिटमेंट अपनी फुलफ़िल होती है, जिसकी वजह से आप देखें यहाँ पर माशाल्लाह से क्लाइंट का ट्रस्ट, ये डेवलपमेंट नहीं है, ये ट्रस्ट डेवलप हुआ है यहाँ पर, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर आपको माशाल्लाह से फार्म की डेवलपमेंट का काम नज़र आएगा। ये सामने जो आपको बाउंड्री नज़र आ रही है, ये 10000 गज़ के ऊपर एक फार्म तैयार हो रहा है। सामने 4000 गज़ के ऊपर फार्म बना हुआ है, ये 10000 गज़ के ऊपर एक फार्म बना हुआ है, 6000 गज़ के ऊपर, ये 8000 गज़ के ऊपर फार्म बना हुआ है, ये 4000 गज़ के ऊपर बना हुआ है, इसके सामने भी 8000 गज़ के ऊपर एक फार्म जो है वो तैयार हो रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बड़ी तेज़ी से फार्म हाउस की डेवलपमेंट का काम चल रहा है। अगर आप भी अपना कैटल फार्म, डेयरी फार्म या पिकनिक फार्म बनाना चाहते हैं तो मेरे से रब्ता करें। यहाँ पर हर किस्म का आप काम कर सकते हैं, किसी भी किस्म की लाइफ स्टॉक फार्मिंग आप कर सकते हैं, आप यहाँ पर गार्डनिंग कर सकते हैं, यहाँ की ज़मीन ज़रखेज़ है और पानी मीठा है। यहाँ पर अगर आपने गार्डनिंग करनी है, अगर आपने बर्ड फार्म बनाना है तो आप बर्ड फार्म बना सकते हैं। डेयरी फार्म भी यहाँ पर काफ़ी सारे बने हुए हैं, दूध की जो डिलीवरी है यहाँ पर गाड़ियाँ आती हैं तो उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पर दूध का भी काम कर सकते हैं। लेकिन अभी इस वक्त जो सबसे ज़्यादा काम चल रहा है वो कैटल फार्म का चल रहा है। उसका रीज़न ये कि मवेशी मंडी जो है ना वो आपको पता है नॉर्दर्न बाईपास पर शिफ्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पर कैटल फार्म का जो काम है वो माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी के साथ चल रहा है, क्योंकि एक एक्सेस ईजी हो गया और एक इतनी बड़ी एशिया की सबसे बड़ी जो मंडी है वो इस एरिया में आ चुकी है, तो इससे काफ़ी बेनिफिट लोगों को मिल रहा है यहाँ पर। तो अगर आप कैटल फार्म बनाना चाहते हैं, गोट फार्म बनाना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, कुछ भी काम करें, लेकिन यहाँ पर माशाल्लाह से काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से सुकून से आप यहाँ पर काम करें। बहुत सारे लोग यहाँ पर समझ लें, आपके ज़्यादातर जो यहाँ पर बायर है वो कराची का है, 90% लोग आपके कराची के हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर आएंगे इंशाल्लाह आपको कोई ना कोई अपने पड़ोस का मिल जाएगा। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी जेंट्री है यहाँ पर, और रोड हमने रखे हैं ऐसे कि आप देखें सामने आराम से एक ट्रक भी जो है ना वो इजीली आ सकता है। अगर आपका कंटेनर है या आप जानवर वगैरह शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप आराम से जो है ना वो यहाँ पर अपना जानवर शिफ्ट कर सकते हैं। रोड हमने बड़े चौड़े रखे हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक ट्रक के बाद भी कितना रास्ता रह जाता है यहाँ पर। आप देखें एक ट्रक सामने से आ रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ पर कितना जो है ना वो रास्ता आराम से बचा हुआ है कि दो गाड़ियाँ यहाँ पर आराम से चल सकती हैं। तो हमने रोड भी जो है ना वो काफ़ी वाइड रखे हैं ताकि आने जाने वालों को परेशानी ना हो और जो है ना वो ट्रैफिक जो है ना वो इजी आसानी से जो है ना वो चलता रहे। ये आपको खाली स्पेस जो नज़र आ रही है ये भी अल्हम्दुलिल्लाह सेल आउट हो चुकी है, इन्वेस्टर है, इन्होंने परचेज़ की हुई है, ये भी अवेलेबल है फॉर सेल। और इसके अलावा भी आप ये फार्म के बारे में आपको बता रहा था, ये कैटल फार्म बन रहा है 4000 गज़ के ऊपर, बहुत ज़बरदस्त फार्म यहाँ पर बनने के लिए जा रहा है, बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट अंदर चल रही है। ये 6000 गज़ के ऊपर पिकनिक फार्म बन रहा है, तो माशाल्लाह से हर तरफ जहाँ की आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर माशाल्लाह से जो है ना वो फार्म हाउस की डेवलपमेंट का सिलसिला चल रहा है। तो आप आए हैं विज़िट करें यहाँ पर, और इंशाल्लाह अगर आपको कोई काम वगैरह स्टार्ट करना है तो हम आप हाज़िर हैं बिल्कुल, आपके इस हवाले से हम आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगे आपको काम स्टार्ट करने के हवाले से। अगर आपको इसके हवाले से मज़ीद मालूम चाहिए तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।